तो जैसे इमेजिन करो, आपको एक स्क्वायर शीट दे दी गई है, आपको ये बता दिया इस स्क्वायर शीट में सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी की वैल्यू इसमें सिग्मा है एंड ये कांस्टेंट है। सिग्मा कांस्टेंट का मतलब है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। अगर डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाए तो मास भी कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा कांस्टेंट है यानी कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या इसका मास निकाल सकते हैं क्या इस शीट का? शीट का मास क्या होगा? सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मास, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया क्या है? एल स्क्वायर। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने अगला क्वेश्चन ये पूछा, अगर ये सारे का सारा मास एक पॉइंट पे प्लॉट करना हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। वो कहाँ पे है? इस शीट के सेंटर में होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? होगा, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बिल्कुल सही, इसका मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा। और कितना होगा? सिग्मा इंटू एल का स्क्वायर होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। बिल्कुल सही। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो मास की वैल्यू कई बार नहीं गिवन होगी, मास आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक ये एक शीट है, ये एक शीट है, और इस शीट के साथ एक और शीट है, ये रही, दो शीट्स हैं। तो ये जो लेंथ है वो L है, और इसका जो डायमीटर है वो भी L है, L और L, ये रहा। आपको ये गिवन है, ये एक डिस्क है, डिस्क है, डिस्क की बनी हुई शीट है, और ये एक स्क्वायर शीट है, सच दैट दोनों की सिग्मा की वैल्यू सेम है। तो सरफेस, सरफेस डेंसिटीज दोनों की सेम है और कांस्टेंट भी है, तो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आती है? मुझे ये बताना है अगर इसका सेंटर C1 है तो C1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी कहाँ होगी, ये बतानी है। क्या है सेंटर ऑफ मास C1 से कहाँ लाई करेगा? दोनों शीट्स का मिला के, दोनों शीट्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इक्वल कैसे होगा? मास बराबर है ही नहीं दोनों का, एक शीट स्क्वायर है और एक डिस्क है, एरिया डिफरेंट है, मास कैसे सेम हो गया? एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, इतने मीटर दूर, इधर उधर नहीं हो बोल सकते इसमें। ओके, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने एक्सिस लेना है, मान लेना है ये आपका x एक्सिस है, मान लो ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। जब x एक्सिस है तो इमेजिन करो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। देखो कुछ तो मानना ही पड़ेगा, तो एक कोऑर्डिनेट लेफ्ट वाला मान लो 0, 0। तो अगर ये 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एल कॉमा जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डायमीटर कितना है? एल। तो रेडियस कितना आएगा? एल बाई टू, एल बाई टू। स्क्वायर शीट की लेंथ एल है तो आधी क्या आएगी? एल बाई टू, एल बाई टू प्लस एल बाई टू, एल। तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एल कॉमा जीरो। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? एल कॉमा जीरो क्लियर है। अब इसके अंदर इसका जो मास है एम वन, बोलो क्या होगा? डिस्क का मास क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ डिस्क, एरिया ऑफ डिस्क है पाई एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू एरिया पाई इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो सिग्मा को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाता है, क्योंकि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, और एरिया मैंने आपको बता दिया, एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करके आपका मास आ जाएगा।
तो सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? एम1 आ गया। ये मास कहां पड़ा होगा डिस्क के? सेंटर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, और जब सिग्मा कांस्टेंट होता है मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमेशा डिस्क के कहां पर पड़ा होगा? सेंटर पे। उसी तरीके से ये स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट का मास बोलो क्या होगा? एम2 सिग्मा इंटू एम2 एल स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया क्या है? एल स्क्वायर सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। इसका मास आगे कहां पड़ा होगा? सेंटर पे, क्योंकि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर है, हमने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मतलब दोनों के फिगर के सेंटर ऑफ मास का भी सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? तो मैं क्या करूंगा, अपने मन में इसको क्या मान लूंगा x1 और इसको y1, ये क्या चीज है x2, ये क्या चीज है y2। तो लगाओ फॉर्मूला, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लो, m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2। x सेंटर ऑफ मास निकालना है, m1 की जगह सिग्मा into pi into l square by 4, और x1 की जगह 0, m2 की जगह सिग्मा into l square into l divided by सिग्मा into pi into l square by 4 plus सिग्मा into l square। तो यहाँ से प्लीज़ ज़रा सॉल्व करना और कैंसिल करना इन टर्म्स को। तो मुझे तो इतना पता है कि सिग्मा 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 कैंसिल, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर भी, ये तो पूरा ही जीरो हो गया। खैर हटाई दो, कैंसिल, सिंप्लीफाई कर देख लो क्या आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाई करो क्या आंसर आ रहा है, एल की फॉर्म में आएगा फाइनल आंसर। फोर एल अपॉन पाई प्लस वन होगा, वन भी तो चल रहा है, पाई प्लस फोर, फोर अच्छा पाई प्लस फोर, ओके हो सकता है। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। तो आज के बाद तुम्हें पॉइंट मास ना गिवन होंगे, सिग्मा से तुम्हें पॉइंट मास निकालना पड़ेगा, फिर उन पॉइंट मासेज का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एप्लीकेशन कैसे चलेगी समझ में आ रहा है? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नहीं है बस पुराना दिखा दे। हाँ जी ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, सपोज आपके पास ये दो स्क्वायर शीट्स हैं, क्वेश्चन है लिखो दो स्क्वायर शीट्स हैं सच दैट ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये क्वेश्चन में मेंशनड है, ये लेंथ है L और ये लेंथ है 2L। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है O, O पॉइंट गिवन है राइट, और बिल्कुल यहाँ पे गिवन है सच दैट इसकी लाइन में सेंटर C1 है, इसी की लाइन में सेंटर C2 है। तो आपको ये गिवन है कि इसमें रो वन एंड रो टू बोथ आर सरफेस मास डेंसिटीज ऑफ टू शीट डिफरेंट है, सेम नहीं है। आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है क्या होगी फ्रॉम पॉइंट ओ, ये क्वेश्चन है। ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ये क्वेश्चन है।
जो मर्जी उसे, वो तो अलग अलग है दोनों का, फर्क ही नहीं पड़ता। रो सर वो ओरिजिन लेना पड़ेगा। हाँ, अगर जहाँ से निकालना है वो ओरिजिन मान लो, तो आप मान सकते हो कि ये आपका ओरिजिन है, 0.0 ओरिजिन है। सर बोलो। सर सरफेस मास डेंसिटी में वो सिग्मा नहीं यूज करते। बिल्कुल करते हैं, इसने रो दे दिया, यही तो कंफ्यूज कर दिया तो सर रो को हम सिग्मा मान सकते मैंने हैं। कहा, यही तो कंफ्यूज कर दिया। वो सिंबल पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, तुम अपना नाम रख लो, ये सिग्मा ना रखो, अपना नाम दिव्यमान 2 रख लो, क्या फर्क पड़ता है। ये कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है, नाम जो मर्जी, सिंबल जो मर्जी, नाम पढ़ो, नाम क्या है, सरफेस मास डेंसिटी। चाहे सिंबल चेंज कर दे उसकी, सिंबल तो एक्स भी यूज कर सकता है, सिंबल तो वाई भी यूज कर लेगा, सिंबल कुछ भी यूज कर, सिंबल के चक्कर में मत पड़ना, नाम के चक्कर में पड़ना। नाम क्या है, सरफेस। सरफेस का मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, एरिया सरफेस है तो एरिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर फर्स्ट बॉडी का जो मास m1 होगा उसकी वैल्यू होगी ρ1 इंटू एरिया क्या है इसका, एल का स्क्वायर। तो मतलब वैसे अपने मन में सिग्मा का रोल यूज कर रहा है ये, क्योंकि सिंबल जानबूझ के चेंज किया, लोग वॉल्यूम के चक्कर में पड़ जाएं, वॉल्यूम मत यूज करना, क्योंकि सरफेस मास डेंसिटी गिवन है, मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। तो ऐसे ही इसका मास m2, इसका मास क्या होगा, ρ2 इंटू एल स्क्वायर। तो अगर ये 0.0 है तो ये एल है, आधा एल और एल है, तो आधे से आधा क्या होगा, एल बाई 2.0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एल है, ये एल बाई 2 है, तो 3 L/2.0। तो कोऑर्डिनेट्स क्लियर है यहाँ पर, इसकी दूरी यहाँ से एल का आधा L/2, फिर टोटल एल प्लस एल बाई 2, 3 L/2। तो बन गया ये x1, ये y1, ये x2 y2। तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, m1 × x1 + m2 × x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। m1 की जगह ρ1 × L², x1 की जगह L/2, ρ2 × L², x2 की जगह 3 L/2 डिवाइडेड बाई ρ1 × L² + ρ2 × L², ऐसे इसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा की प्रॉब्लम्स कैसे यूज करनी है समझ में आता है। अब वो चाहे सिग्मा दे, चाहे रो दे, चाहे लैम्डा दे, उसकी मर्जी है। तुम्हें लेंथ देगा, तुम लैम्डा से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेना, तुम्हें एरिया देगा, तुम सिग्मा से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेना, और रो देगा तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये एक मान लो, ये एक बॉडी है टी की शेप में है, ये एक बॉडी है, ये ओ ये गिवन है,
लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये लो लिखो जरा, बनाओ डायग्राम। तो ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस वाइज है, और सरफेस वाइज में इसमें सिग्मा गिवन है, सिग्मा पूरी बॉडी का कांस्टेंट है, इसका टी शेप बॉडी का कांस्टेंट है। आपको मुझे बताना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ क्या होगा, ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ऊपर की, हाँ दे देता हूँ, ऊपर की लेंथ, ये लो ऊपर की लेंथ है 8 मीटर, ये लो। इसमें कितनी बॉडीज लेंगे हम, दो दो लेंगे ना, मतलब अलग अलग करेंगे, जैसे ऊपर वाली बॉडी अलग है और नीचे वाली बॉडी अलग है, तो हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब सेंटर ऑफ मास में बस मुझे एक चीज बता दें इसमें, कि जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है इस, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे, सेंटर मींस कहीं यहां पे, और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, मानते हो ओरिजिन के यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसका जो फर्स्ट बॉडी है इसका सेंटर ये रहा, जो सेकेंड बॉडी है इसका सेंटर ये रहा, C1 एंड C2, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है तो ऊपर वाली बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास ऊपर वाली बॉडी के सेंटर पे, और नीचे वाला नीचे वाली बॉडी के सेंटर पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब इसमें चलो ढूंढते कोऑर्डिनेट, ढूंढते हैं, बोलिए कौन सा एक्सेस है ये येलो कलर का, वाई की एक्स, वाई, तो इसका मतलब अगर ये ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या बनेगा, जीरो कॉमा माइनस वन, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्स चल पड़ा ना नीचे की तरफ, ओरिजिन के नीचे आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो ये कितना, 1 मीटर है, और नीचे है क्योंकि 0.0 एक्स एक्सिस यहां पर है, वाई एक्सिस ऊपर है, और हम कहां जा रहे हैं, ओरिजिन के नीचे, तो -1। बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, -4। ये 6 है, 6 का आधा 3, 3 प्लस 2 5 विद नेगेटिव साइन, -5। क्या है पॉइंट क्लियर है? तो ये दूरी क्या बनेगी, 2 प्लस 3 -5। अब मास की बात करते हैं, जो फर्स्ट मास है M1, देखो M1 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू इस फिगर का एरिया का दिख रहा है, 8 × 2 = 16, सिग्मा इंटू 16, क्योंकि इस रेक्टेंगल का एरिया 8 × 2 कितना है, 16, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया, क्लियर है यहाँ तक? और उसी तरीके से यहाँ का मास क्या आएगा, M2, सिग्मा इंटू कितना, 12 आएगा, क्योंकि ये 6 × 2 = 12 है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, कैसे सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई किया दोनों रेक्टेंगल से तो मास आ गया। अब मेरा क्वेश्चन वाई पे चल रहा है, तो वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लो, m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2। तो वाई सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, m1 का मतलब सिग्मा इंटू 16, y1 का मतलब -1, m2 का मतलब सिग्मा इंटू 12, और y2 का मतलब -5 डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू 16 प्लस सिग्मा इंटू 12। सॉल्व कर ले, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा आंसर। जितना भी है, और जितने क्वेश्चन मिलेगा मार्क कर लेना।
मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसका? समझ में आ रहा है यहाँ तक? सर,